पिछले कई दिनों पहले हुई बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। जिले के लगभग आधा दर्जन गांवों के खेतों में पानी भरा हुआ है। मुखरा, मदीना, बहुअकबरपुर, अजायब, भराड़, कई गांव के खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। खेतों में पानी भरने से धान, ईख, ज्वार, कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यही हालत रहे तो अगली बिनाई होने वाली गेहूं फसल की बिजाई नहीं भी हो पाएगी। वहीं किसान सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों से पानी निकलवाने की गुहार लगा रहा है। क्या नाम आपका? विनोद कुमार जी। अच्छा विनोद जी, क्या दिक्कत है आ रही है अब किसान है? देखो जी, पानी भरया खड़ा, ईख भी गया, धान भी गए, ज्वार थी वो भी खत्म हो गई जी, ना फसल बुआ है। हमारे यहाँ पानी ज्यादा बरसने से पानी खड़ा हो गया, सब सौदा खत्म हो गया बिल्कुल ही। तो पानी निकालने का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं जी, कोई लाइन मंजूर नहीं हो रही कहीं से भी जी। भाई लाइन मंजूर हो जाए इधरों इधरों में डाल दें गवर्नमेंट की तरफ, तो ये लिया कोई मोटर माटर, कोई साधन नहीं। कई साल से हमारे साथ ही ऐसे ही बन रहा है। ये तो पानी की कोई पास ही नहीं जी हमारे, और तीन तीन फुट पानी खड़े है। ये धान भी गिर जाए जी, हवा वहीं पीछे चल दी है, ना को पानी की ना खासी, और ना साडू बुआ जी मारी गेहूँ की फसल भी नहीं बुआ, पानी निकले भी नहीं।